दिल्ली सरकार ने जल मंत्री कपिल मिश्रा नू मंत्री दे औहदे तो बर्खास्त कर दिता है, जिस कारण पार्टी च एक नवा विवाद खड़ा हो गया। मंत्रिमंडल तो हटाए जाने तो बाद कपिल ने आज राजघाट ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उन्होंने पार्टी है अते उन्होंने कोई भी इस पार्टी चो नहीं कर सकता। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने खिलाफ भ्रिष्टाचार का कोई मामला नहीं है। कपिल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वड्डा दोष लगाते हुए कहा कि सतिंदर जैन ने उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए सन। जैन ने उन्होंने सामने केजरीवाल ने पैसे फटाए सन। कपिल मिश्रा ने अपनी बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक पहला उप राज्यपाल अनिल बैजल नाल मुलाकात की। मुलाकात तो बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं उन्होंने नगद लेंदे देखा है अते सारियां गल्लां उप राज्यपाल नूं दस दित्तियां ने। सतेंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं, और इसके बाद एसीबी सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सतेंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सतेंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया।